गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मनीषा फ्रॉम जीपीएस डेरा पुरबिया ब्लॉक सोनीपत। आज मैं आपके सामने कक्षा चार का ईवीएस विषय में पाठ चार बड़े मददगार हमारे कामगार पाठ लेकर आई हूँ। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बड़े मददगार, मददगार मतलब जो मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे कामगार, कामगार काम करने वाले, जो व्यक्ति हमारे कार्यों में हमारी सहायता करते हैं वे हमारे मददगार होते हैं। बेटा, हम सभी कार्यों को करने में निपुण नहीं होते। इन कामों को करने के लिए हमें दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। इस पाठ में हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, और हम इन कामों के लिए ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये लोग हमारी कैसे सहायता करते हैं। यहाँ पर मिट्टी के घड़े बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ये देखिए, अगर हमें कपड़े सिलवाने हैं तो हम किसके पास जाएंगे? दर्जी के पास। कपड़े सिलने में ये हमारी सहायता करता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इधर देखिए, जब हमारी कभी साइकिल खराब हो जाती है तो हम साइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं। अब हम इस पाठ को बेटा पहेलियों के द्वारा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। गोल गोल चाक घुमाता हूँ, उस पर मिट्टी फैलाता हूँ, फिर अलग अलग उन्हें आकार देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुम्हार। सबसे पहले लेता माप, फिर कपड़े को देता काट। पहले मैं माप लेता हूँ, फिर कपड़ा काट देता हूँ। पहने कोई किसी उम्र के, कौन सिले कपड़े घर भर के। कपड़े घर भर के कौन सिलता है? हमारे कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। नेक्स्ट, जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी, मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूं कौन चलो बतलाओ। बेटा, जब हम बीमार होते हैं तो हम किससे अपना इलाज कराते हैं? डॉक्टर से। बिल्कुल सही। आगे चलिए देखते हैं। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं, सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। यहाँ पर बताया गया है कि मैं बांध और पुल का निर्माण करवाता हूँ, नई योजनाएं बनाता हूँ, मैं किस नाम से जाना जाता हूँ। ये देखिए, ऐसे सभी कार्य कौन करवाता है? इंजीनियर। जी हाँ बच्चों, बांध निर्माण के ये सभी कार्य इंजीनियर की देखरेख में होते हैं। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए कौन ठीक करके दिखलाए। दो पहियों की सवारी जिसमें ईंधन भी नहीं लगता क्या होती है? साइकिल। अब हमारी साइकिल खराब होती है तो हम किसके पास जाते हैं? साइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, कपड़े का आकार बनाकर, धागे से फिर उसे सजाकर, सुंदर बना कसीदे देता, कौन सभी का बना चहेता। कपड़े पर धागे की विभिन्न प्रकार की आकार बनाकर, यानी कढ़ाई करके, कसीदाकारी करके, कौन उसे सुंदर बनाता है? बुनकर, बुनकर या कसीदेकार। फिर है, ऊपर ऊपर उड़कर जाता किंतु नहीं पंछी कहलाता, मैं ऊपर उड़ता हूँ लेकिन पंछी नहीं कहते, नियत जगह सबको पहुंचाता,
नियन मतलब अपनी सही जगह सबको पहुंचाता हूँ। बोलो मुझको कौन चलाता, मुझे कौन चलाता है, यानी जहाज को कौन चलाता है, पायलट। बच्चों आज आपने इस पाठ में अपने मददगार जो आपकी सहायता करते हैं उनके बारे में जाना। अब हमारा कार्य है आपके आसपास इन लोगों के अलावा जो आपने आज पढ़े हैं इनसे अलग कोई काम करता है तो उसके बारे में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे।